हेलो स्टूडेंट, आज के जो लेक्चर है उसमें हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में समझेंगे। बेसिकली जो एम्पलीफायर होता है उसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये होता है कि कोई भी वीक सिग्नल है, चाहे वो किसी भी वेवफॉर्म के रूप में हो, उसको हम एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने का मतलब है उसके एम्पलीट्यूड आयाम को बढ़ाना, ठीक है। तो इस प्रकार से एम्पलीफायर जो बेसिक नीड्स हैं जिससे कि हम सिग्नल को स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और ऐसा करके हम उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकली प्रोसेस करते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं और फिर हम उसको किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो बेसिक एम्पलीफायर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो सिंपल एम्पलीफायर होता है वो कहीं ना कहीं बैंडविड्थ और फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। हर एम्पलीफायर के लिए अलग फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, इसके अलग सर्किट होती है और उसका गेन जो है उसके हिसाब से, गेन मतलब उसका एम्पलीफिकेशन करने की जो शक्ति है वो कम ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ करके उसके गेन को किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं और इसका जो एक मिनिमम गेन होता है वो 1 होता है, इससे कम नहीं हो सकता, यानी 0 नहीं हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा इसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एडवांटेजेस है। दूसरा एडवांटेजेस ये है कि इसका इनपुट में अगर कोई सिग्नल ना हो तो इसमें पावर लॉस नहीं होता है। दूसरा, आउटपुट इम्पीडेंस भी जो है वो डिवाइस के साथ मैचिंग हम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं और इसके अलावा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एडिशनल प्रैक्टिकल और कमर्शियल यूजेस भी हैं, जिसमें समिंग, वोल्टेज को सम करना, वोल्टेज को डिफरेंस करना, इसमें ट्रिगर बनाना और बहुत सारे हम एप्लीकेशन देखेंगे आगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक। पहले कि ऑपेम कितने पिन की आईसी होती है, ठीक है, उसके सिंबल क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज एज एम्पलीफायर एंड बफर इन जनरल वे आर शो इन ट्राइंगल वेव शेप इन सर्किट। जैसे कि यहाँ पे नीचे जो आपको एक सर्किट दिख पा रहा है, ठीक है, ये वाला जो सर्किट आपको दिख पा रहा है, ठीक है, तो इसको हम सर्किट में जहाँ भी यूज़ करेंगे इस जो ट्रायंगल है उसको हम बोलते हैं सिम्बॉल, ठीक है, प्रतीक चिन्ह। इस चिन्ह को जब भी देखेंगे हम समझ जाएंगे कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बता रहा है। ओके, सो यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं दूसरा जो डायग्राम है वो आईसी का है, ठीक है। आईसी जो है वो हमको ये कितने पिन का हो सकता है, जैसे इसमें 8 पिन का आपको ऐसे दिख पा रहा है, ठीक है। इसमें से जो अलग अलग पिन है, ठीक है, उसमें कुछ पिन, एक जो पिन है वो नो कनेक्शन भी है, एक इसमें पावर सप्लाई रहेगा, ठीक है, कॉमन के लिए, एक प्लस सप्लाई रहेगा, माइनस सप्लाई। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हम जनरली सिंगल पावर सप्लाई यूज़ करते हैं, ग्राउंड के बेस पे प्लस पे या ग्राउंड के बेस पे माइनस पे। बट यहाँ पर हमको चूंकि डुअल एप्लीकेशन यूज़ करना रहता है, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, और इसीलिए हम इसमें दोनों सप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्लस सप्लाई है, एक माइनस सप्लाई है, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस है इसका और जिसकी वजह से हम इसको डिफरेंस डिफरेंशिएटर की तरह भी यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। इसमें दो इनपुट होगा जिसमें हम एक को बोलते हैं इन्वर्टिंग, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। तो पिन नंबर 2 जो है इन्वर्टिंग है और पिन नंबर 3 जो है वो नॉन इन्वर्टिंग है, यानी इसमें जो भी इनपुट देंगे उसका वो इन्वर्ट होकर मिलेगा पिन नंबर 2 पे, और जैसा पिन नंबर 3 पे देंगे वैसा ही आउटपुट पे मिलेगा, ठीक है। तो पिन नंबर 6 जो है वो आउटपुट है। ओके, अब जैसे हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख लेते हैं, एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, इसका क्या एडवांटेजेस है। तो जैसे इसका वोल्टेज जो गेन है वो इनफिनाइट होता है, ठीक है। वोल्टेज गेन, गेन का क्या मतलब होता है, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का जो रेशियो होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज गेन, ठीक है। वैसे ही अगर हम करेंट गेन निकाल रहे हैं तो करेंट के रेशियो को हम करेंट गेन बोलेंगे। तो जैसे हमने इनपुट को एक वोल्टेज दिया, ठीक है, मान लो हमने 1 वोल्ट का सिग्नल दिया, आउटपुट में हमको 10 वोल्ट मिल रहा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 10/1, तो ये 10 गुना हो गया। जो भी इनपुट सिग्नल आ रहा है उसका क्या हुआ, 10 गुना, 10 टाइम्स से क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा। तो इसका गेन क्या हो गया, 10 हो गया।
यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, तो इसको हम जो है वो मैक्सिमम हम ले जा सकते हैं 2 लाख टाइम्स तक। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इसको बहुत ज़्यादा हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसका वो है इनफाइनाइट इनपुट इंपेडेंस। इनपुट इंपेडेंस जो है वो इनफाइनाइट होता है, यानी लगभग ओपन सर्किट जैसा, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोड जो है इस डिवाइस पे नहीं पड़ता है। अगर इनपुट जीरो है, नहीं है, तो कोई करंट कंडक्शन नहीं होता है, ठीक है। जीरो आउटपुट इम्पेडेंस, आउटपुट जो है वो लगभग जीरो होता है। दैट मीन्स ऐसा होता है कि जैसे शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है। और आउटपुट इम्पेडेंस जीरो होने की वजह से क्या हो रहा है कि लोड जो है हम इसमें मैक्सिमम लोड को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाते हैं, इम्पेडेंस क्या होता है, कम होते जाता है, और वो कहाँ तक चला जाता है, जीरो तक। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम में, समर सीजन में लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ने का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग एसी कूलर्स चलाने लगते हैं, जिससे कि आउटपुट जो है ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है, हमारे घर के 7 मीटर का जो इनपुट है वो कनेक्ट हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ने लगता है, करंट बढ़ने से वोल्टेज डाउन होने लगता है। तो अगर इसका आउटपुट, अगर इम्पेडेंस जीरो है, इसका मतलब इससे हम ज़्यादा लोड कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज होता है। फिर इसका हम देखें जो टाइम है, कितने टाइम पर ये रिस्पॉन्स कर सकता है। तो एक तो ये बहुत फास्ट होता है, दूसरा इसका बैंडविड्थ बहुत हाई होता है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ। इनफाइनाइट बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ का मतलब ये है कि वो फ्रिक्वेंसी रेंज जहाँ से वो स्टार्ट करेगा एम्पलीफिकेशन करना और कहाँ तक वो एंड कर सकता है। तो इसका जो फ्रिक्वेंसी रेंज है एम्पलीफाई करने का, ये बहुत बड़ा रेंज होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इनफाइनाइट बैंडविड्थ होता है। यानी आप 1 किलो हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी को भी, 1 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी को भी, और 20 हर्ट्स, 20 किलो हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी को भी क्या कर सकते हैं, आराम से एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एक ऐसा सर्किट जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसे बिना फीडबैक के सर्किट को डिज़ाइन कर रहे हैं। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि आउटपुट के कुछ कंटेंट को हम इनपुट पर बैकअप में दें, ठीक है। जैसे यहाँ से हम जोड़कर इस इनपुट में दे दें, या फिर यहाँ से जोड़कर यहाँ दे दें, तो ये क्या कहलाएगा, आउटपुट के कुछ क्वांटिटी को अगर हम इनपुट पर प्रोवाइड करें तो वो क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का फीडबैक होता है, लेकिन यहाँ पर हमने कोई भी आउटपुट की क्वांटिटी को इनपुट पे दे नहीं रहे हैं, इसलिए ये विदाउट फीडबैक कहलाएगा। तो इस कंडीशन में इसका गेन क्या होगा, वी आउटपुट इज इक्वल टू गेन इनटू वी प्लस माइनस वी माइनस, ठीक है। वी यानी जो पिन नंबर 3 है, वी प्लस इनपुट दे रहे हैं और वी माइनस कहाँ पे आ रहा है, 2 नंबर पे। तो इन दोनों का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा उसको हम वोल्टेज गेन से, यानी गेन से मल्टीप्लाई करें, वो उतना वोल्टेज हमको मिलेगा, ठीक है। तो सो इस इफ द वी प्लस इज ग्रेटर देन वी माइनस विद द, तो आउटपुट क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एम्पलीफायर हो गया। अगर वी माइनस बड़ा है, जैसे सेकंड कंडीशन में हम देखें, ठीक है, तो ये वाला कंडीशन देखें तो आउटपुट निगेटिव होगा, तो हम इसको कहेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अगर पॉजिटिव आए तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस ऑप एम्प को आराम से किसी भी एम्पलीफिकेशन के लिए, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, या किसी भी गेन के लिए, हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इनफाइनाइट गेन के साथ हम निगेटिव फीडबैक के साथ कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप इस सर्किट में देख पा रहे हैं, ठीक है, इस सर्किट में जैसा आप देख रहे हैं कि हमने आउटपुट को, जो कि पिन नंबर 6 है, इसको हमने पिन नंबर 2 के साथ फीडबैक किया है, और इनपुट कहाँ से दे रहे हैं, पिन नंबर 3 पे दे रहे हैं, ठीक है। तो पिन 3 पे अगर हम इनपुट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो भी इनपुट आएगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, वो ऐसे ही आउटपुट पर भी मिलेगा, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, राइट।
ठीक है, अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो लोड के साथ देखते हैं। अभी तक तो हमने सर्किट डिज़ाइन किया, कोई लोड नहीं लगाया था। लोड क्या है? पिन नंबर 6 के साथ जो कि सर्किट में दिख पा रहा है, यहाँ पर जो पिन नंबर 6 है इसके साथ हमने एक लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्ट करके रखा है, ठीक है, जो कि ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो लोड रेजिस्टेंस है क्या होता है, इस एम्पलीफायर का आउटपुट को हम जिस डिवाइस के इनपुट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उस कनेक्ट किए हुए डिवाइस का जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा, इम्पीडेंस होगा, उसको हम लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक के साथ दे रहे हैं, जो आउटपुट है उसको हमने क्या किया, पिन नंबर 3 प्लस के साथ नॉन इनवर्टिंग पिन पर दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सर्किट हम डिज़ाइन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक सर्किट कहेंगे, ठीक है। कुछ गोल्डन रूल्स भी हैं जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पता होने चाहिए आपको, यहाँ पे देख लेते हैं वो गोल्डन रूल्स क्या है। व्हेन एन एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कॉन्फिगर्ड इन एनी नेगेटिव फीडबैक अरेंजमेंट, इट विल ऑबे द फॉलोइंग टू रूल्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको दो कंडीशन को छोड़ना होगा। द इनपुट टू द ऑपरेशनल ड्रॉ द सोर्स नो करेंट, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा, ऑपरेशनल आउटपुट विल बी वाट एवर इट कैन, ठीक है, विद इन इट लिमिटेशन टू मेक द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट 0 भी हो सकता है। तो ये गोल्डन रूल्स हैं जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम, ठीक है। अब एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम कौन कौन सा एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो एप्लीकेशन है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसा कि सर्किट में देख पा रहे हैं आप, ठीक है। पिन नंबर 6 जो कि आउटपुट है उसको पिन नंबर 2 के साथ हमने क्या किया, फीडबैक किया, और उसी पे हमने इनपुट भी दिया है, और पिन नंबर 3 को क्या किया हमने, ग्राउंड कर दिया, ठीक है। तो जो चूंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, और पिन नंबर जो 2 है वहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट गेन मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, वी इन डिवाइडेड बाय R1। रेजिस्टेंस आपको दिख पा रहा है वहाँ पर, वी एन के बाजू में आर एन लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला और ये वाला वैल्यू, ठीक है। अप्लाइंग द रूल, वर्चुअल ग्राउंड हमने ले लिया है, इस पर ऑलरेडी 2 पावर सप्लाई लगा हुआ है, प्लस माइनस, ठीक है। पावर सप्लाई में हम +5 या -5 के साथ में, या फिर +15 या -15 के साथ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो करेंट है वो I=VIN/R1 ले सकते हैं। करेंट डज नॉट फ्लो इन टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वन ऑफ आवर रूल जो पहले हमने लिया था, ठीक है, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग। सो द करेंट थ्रू R1 मस्ट गो थ्रू R2, ठीक है, R1 और R2 के थ्रू जाएगा, और जो आउटपुट मिल रहा है वी आउट वो फीडबैक होगा R2 के थ्रू, ठीक है। तो इस कंडीशन में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा R2 पर, वो देख लेते हैं। IFR2, ये वाला फार्मूला, इक्वल टू वी इन इंटू R2/R1, ठीक है। अब देख लेते हैं वी आउटपुट पे क्या मिलेगा। तो इस जो वैल्यू है VIN-VIN-R2/R1, माइनस क्यों लगा है यहाँ पर VIN के माइनस, क्योंकि हमने पिन नंबर 2 जो कि इन्वर्टिंग पिन है उसमें हम जो भी देंगे उसका निगेटिव मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव देंगे निगेटिव मिलेगा, निगेटिव देंगे पॉजिटिव दिखेगा, जस्ट उल्टा होगा, इसलिए वहाँ पर माइनस इंडिकेशन हमने यूज़ किया हुआ है। वी एम्पलीफाई द वी इन फैक्टर -R2/R1। तो इस प्रकार से हम इजिली देख सकते हैं कि कितना आउटपुट हमको मिल रहा है, कितना वोल्टेज हमने इविन पे लिया है, और R2 और R1 की वैल्यू क्या है। सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो है नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, अगर आप सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो पिन नंबर जो 3 है प्लस पिन, उस पर हमने इनपुट लिया है, और जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो डिज़ाइन था सर्किट उसमें हमने R1 के ऊपर इनपुट दिया था, वहाँ उसको हमने ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। तो इतना सा चेंजेस करेंगे, यानी जहाँ पर हमने इनपुट लिया था वहाँ ग्राउंड कर दिया, और जहाँ पे इस सर्किट की अगर हम बात करें, देखिए वी इन और ग्राउंड,
इसकी पोजीशन को चेंज कर दें। तो इनपुट हम चूंकि नॉन इनवर्टिंग इनपुट पे ले रहे हैं, तो इस प्रकार से ये जो सर्किट डिज़ाइन होगा ये क्या कहलाएगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा आप देख पा रहे हैं वी आउटपुट नीचे में वी इन प्लस आर टू इंटू आर टू अपन आर वन। तो इस प्रकार से वी इन इंटू वन प्लस आर टू अपन आर वन। तो यहाँ से जो गेन है ठीक है वो आप देखेंगे मिनिमम जो इनपुट है उतना तो मिलेगा ही ठीक है, और आगे एडिशनल जो भी है वो रेजिस्टेंस के रेशियो पे मिलेगा। ये समिंग एम्पलीफायर है, इसमें दो इनपुट हैं वी वन वी टू, आप चाहें तो इसको वी एन तक ले जा सकते हैं, और सारे जो इनपुट है उसका सम आपको वी आउट पर मिलेगा। नेगेटिव साइन ये बताता है कि हमने नॉन इन्वर्टिंग पिन पर इनपुट दिया हुआ है। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ठीक है, दो इनपुट के बीच में जो डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वी वन और ठीक है। तो इस प्रकार से हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर को इस प्रकार से सर्किट डिज़ाइन करके कर सकते हैं, जो भी आउटपुट आएगा वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, और जो कि यहाँ वी आउट इज इक्वल टू आर टू अपन आर वन, वी वन वी प्लस माइनस वी माइनस जो है दोनों के डिफरेंस का आउटपुट मिलेगा। अब लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर, इस बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं ठीक है। तो डिफरेंशिएटर क्या करता है, हाई पास फिल्टर एक फ्रिक्वेंसी रेंज के ऊपर की सारी फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा, जाने देगा और लोअर फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा। उसके लिए हम ये इस प्रकार का एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होता है। यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या क्या एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। लो पास फिल्टर एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी तक पास करेगा, उसके हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटर ठीक है। तो ये इंटीग्रेटर है, और इस प्रकार से हम फार्मूला भी देख सकते हैं। कुछ और एप्लीकेशन है जैसे आरटीडी रीड आउट स्कीम है ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स जो आरटीडी से रिलेटेड हैं ठीक है। कुछ डिस्टॉर्शन है जिसको हम इसको मेक ओवर कर सकते हैं इस सर्किट से ठीक है। और एक हम फीडबैक लूप भी चला सकते हैं जिसको हम ऑसिलेशन भी बोलते हैं, बट यहाँ पे हम एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं। एम्पलीफायर ऑसिलेटर का बेसिक सेक्शन होता है ठीक है। किसी भी ऑसिलेटर में एक जो सेक्शन रहेगा वो एम्पलीफायर होता है, तो वहाँ पर भी हम इसको एज ए ऑसिलेटर का पार्ट एम्पलीफायर के रूप में यूज़ कर सकते हैं ठीक है। कुछ तो थैंक यू स्टूडेंट आज के इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कुछ पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसको पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू।